ये फटे हुए जूते देख रहे हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये शूज पहनकर आपको फुटबॉल टीम में सिलेक्शन के लिए अप्लाई करना है और वो भी स्टेट लेवल की फुटबॉल टीम में, तो आप कहोगे कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, इसको पहनकर तो चलना भी पॉसिबल है और तो स्टेट टीम में एंट्री के लिए फुटबॉल खेलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इस बंदे को तो आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो यार क्यों नहीं जानते। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस फुटबॉल टीम लिवरपूल के स्टार प्लेयर सादियो माने। इस बंदे जैसी गरीबी शायद ही किसी और इंसान ने देखी होगी। इनका बचपन इतना ज्यादा मुश्किलों और गरीबी से गुजरा है कि जब इनकी भूख दो दो दिनों तक भूखा रहने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी तो ये पेट भरने के लिए मिट्टी खा लेता था ताकि इसका थोड़ा सा पेट भर सके। कचरे के डब्बे में पड़े लोगों के फेंके हुए फटे हुए कपड़े और जूते निकालकर ले आता था और उन्हें पहनकर अपना शरीर ढकता था। पूरा बचपन खत्म हो गया, लेकिन कभी नए कपड़े और नए जूतों की शक्ल भी नहीं देख पाया। फुटबॉल का भूत इसके सिर पर बचपन में सवार हो गया था। पूरा दिन एक खुद के बनाए हुए कपड़े के फुटबॉल से गलियों में प्रैक्टिस करता रहता था। उसके अंदर एक जिद और जुनून भर चुका था कि एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब वो 12 साल का हुआ तो उसे पता चला कि उसके स्टेट में फुटबॉल टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल होने वाले हैं। पर जहां पर वो ट्रायल्स होने थे वो जगह उसके घर से 160 किलोमीटर दूर थी और वहां जाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं था। पर उस पे जज्बा और जुनून कुछ इस कदर सवार था कि उसने ट्रायल डे से 3 दिन पहले ही पैदल चलना शुरू कर दिया और ट्रायल डे के दिन एग्जैक्ट टाइम पर 160 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके वहां पर पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी पूरी तरह से फटे हुए कपड़े और जूते देखकर लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। कोच ने भी उससे कहा कि इन बिल्कुल फटे हुए जूतों के साथ तुम ट्रायल कैसे दोगे। तो सादियो ने कहा कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए खुद को प्रूव करने के लिए। और जब उसने अपना 5 मिनट का वो ट्रायल दिया तो उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और जो लोग थोड़ी देर पहले तक उस पर हंस रहे थे उन सभी ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। उस कोच ने 12 साल के उस बच्चे सादियो माने से कहा कि तुम इतनी ज्यादा सफलता पाओगे कि लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानेंगे। सादियो बहुत खुश हुआ और ये खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तो वहां जाकर उसे पता चला कि उसके फादर की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। जरा सोचिए दोस्तों, कितनी मुश्किल लाइफ जीता आ रहा था वो बच्चा और आज जब लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उसे नसीब हुई तो ये खुशी शेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास कोई अपना ही नहीं था। उसके पास बस अब एक ही चीज बची थी और वो थी उसकी फुटबॉल। उसने सब कुछ भुलाकर फिर से फुटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और गेम के लिए जुनून को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। वो लड़का ऐसा खेला कि 2 मिनट 56 सेकंड्स में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इसने इतनी ज्यादा मेहनत की और ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि हर बड़ा फुटबॉल क्लब अब इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। 2011 में ये METZ यानी मेट्स के लिए सिलेक्ट हुए और 2012 तक उसी टीम में रहे। 2012 में इन्हें रेड बुल साल्ज़बर्ग ने खरीद लिया जिसके लिए इन्हें $4 मिलियन पे किए गए। फिर 2014 से 2016 तक ये साउथ हैम्पटन की तरफ से खेले जिसके लिए इन्हें 11.8 मिलियन US डॉलर पे किए गए और फाइनली 2016 में इन्हें लिवरपूल टीम ने अपने साथ शामिल कर लिया जिसके लिए इन्हें $34 मिलियन पे किए गए, यानी इंडियन रुपीज में बात करें दोस्तों तो लगभग 225 करोड़ रुपए। मिट्टी खाकर पेट भरने वाला वो लड़का आज मल्टी मिलियनेयर है दोस्तों। फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलने वाला वो लड़का आज एक कस्टम शू ब्रांड का मालिक है और इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी ये इतना डाउन टू अर्थ है कि आज भी ये अपना 3 साल पुराना आईफोन 7 यूज करता है जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। ये चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां और चार्टर्ड प्लेन भी खरीद सकता है पर नहीं खरीदता। सैदियो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों में दान कर देता है। जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं पर गरीबी की वजह से मजबूर हैं उन्हें ये फ्री किट्स और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। साल 2020 की न्यू अफ्रीकन मैगजीन में माने का नाम अफ्रीका के सबसे प्रभावशाली टॉप 100 लोगों की लिस्ट में भी आ चुका है। बचपन में उस छोटे से बच्चे ने जो कहा था वो उसने करके भी दिखाया। उसने कहा था कि पूरी दुनिया एक दिन मुझे मेरे नाम से जानेगी और आज सच में पूरी दुनिया इन्हें इनके नाम से जानती है। फटे कपड़े और फटे जूते वाला वो लड़का, मिट्टी खाने वाला वो लड़का आज $1.5 लाख पर वीक कमाता है, यानी $6 लाख पर मंथ से भी ज्यादा। इस बंदे को अगर हम हर तरह से परफेक्ट इंसान कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आपको इनकी लाइफ स्टोरी से क्या सीखने को मिला दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो ने थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।